सोचिए कामत साहब, सोचिए। मेरी बात मानिए, आपकी मेरी और मजदूरों की जिंदगी बर्बाद करने की बजाय लीजिए 20,000, कम है तो 25,000 लीजिए। 25,000? हाँ, मजदूरों के बारे में सोचिए, मजदूरों के बारे में सोचिए। अरे उनकी दुआ मिलेगी, इस लीजिए। हेलो, हाँ सर, मैं केलकर बोल रहा हूँ। बोलो केलकर। काम हो गया आखिर में, कामत की विकेट गिरी 50,000 में। मुझे मालूम था तुम एक काम जरूर करोगे। हैं सब, ये केलकर कभी हार नहीं मानता, अब अपना माल रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी डिफेक्टिव क्यों ना हो, 5,000 बैग की डिलीवरी होगी, कामत जरूर कबूल करेगा बिना कुछ बोले, सिर्फ 50,000 रुपए में। ओके, बाकी सब मैं ऑफिस में आकर बताता हूँ, बाय। माधव ठहरो, तुझसे कुछ पूछूं? आजकल रिश्वत दिए बगैर कुछ होता नहीं है क्या? कब होता था? इतिहास गवाह है, कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती तोड़ने के लिए कृष्ण को द्रौपदी की लाज देनी पड़ी थी। अरे कृष्ण ने जो किया वो दुष्टों का नाश करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, पर आज तू किसी सच्चे आदमी के सच्चाई का गला घोंट रहा है अपने झूठ को बढ़ाने के लिए। जो बिक जाता है वो सच्चा आदमी नहीं होता पिताजी। मैंने खरीद लिया है एक कीमती लेबल लगे हुए बिका हुआ आदमी को। ये दुनिया एक बाजार है और बाजार में सिर्फ धंधा चलता है, खरीदने और बेचने का धंधा। अरे पर धंधा बेईमानी से ही किया जाए, ऐसा नियम है क्या? धंधे का सिर्फ एक ही नियम होता है, नफा, फायदा, प्रॉफिट। यहाँ फायदा मतलब ईमानदारी है और नुकसान मतलब बेईमानी। एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वार एंड बिजनेस। ये आप नहीं समझेंगे, धंधे के लिए दिमाग चाहिए। अरे क्या हुआ था सुधाकर, आज सुबह सुबह? हाँ, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा पिताजी से मिलता जाऊँ। दादाजी। हाँ। मैं और माँ नाना जी के यहाँ जा रहे हैं। हाँ। मैं दिन भर उनके आश्रम में ही रहूंगी। हाँ? हाँ, हाँ। चलते हैं। शीला एक मिनट, ये किताब अपने पिताजी को दे देना। ओ, देखूं? शांति पत्र, द आर्ट ऑफ लिविंग। अच्छा हम चलते हैं। अच्छा बाय दादाजी। अरे ये क्या तनु, तू भी बाहर जा रही है? सॉरी अंकल, नाना जी के पास जाने का प्रोग्राम पहले से ही तय हुआ था। अच्छा, आप किसी दिन आराम से आइए ना। जरूर। अच्छा हम चलते हैं, बाय। बाय। चलती हूँ। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मे ते दारतः। पिताजी प्रणाम। नमस्कार। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव। ठीक है, और कैसा चल रहा है तुम्हारा संसार? ठीक चल रहा है। आपसे एक बात करनी है। बोलना। नहीं, आपने अपने पूर्वजों की जगह बेचकर मुझे और भैया को अलग अलग फ्लैट लेकर दिए। हाँ, तो अब मेरा मतलब है, हमें देने की बजाय आपने काफी रकम बैंक में रखी है। तो क्या? नहीं, मैं ये कहना चाहता था, ये नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बैंक में पैसे रखने के बजाय वो पैसे अगर बिजनेस में लगाते हैं तो इसके जरिए हम तो इससे भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर ज्यादा कमाकर मैं क्या करूंगा? देखो, मुझे पैसों का लालच मत दो तुम दोनों, लालच बहुत बुरा होता है। ओए, भागो भागो। ये मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्या? मारूंगा नहीं, चलो मेरे साथ आओ, आओ मेरे साथ,